Why does the Lord have to break us? Because we are so strong. We're so stubborn and so strong that he has to break us. क्यों परमेश्वर को हमें तोड़ना पड़ता है? क्योंकि हम इतने बलवंत हैं, हम इतने बलवंत हैं, हम इतने जिद्दी या हटीले हैं कि परमेश्वर को हमें तोड़ना पड़ता है, ताकि वो हमें छोटे बच्चों के समान बना सके। And if we have not yet become like little children, और अगर हम अब तक छोटे बच्चों के समान, छोटे बालकों के समान नहीं बने हैं, तो reason is उसका कारण ये है that we are not yet broken. कि हम अब तक तोड़े नहीं गए हैं, टूटे नहीं हैं sufficiently, I think पर्याप्त मात्रा में। Think of the first miracle that Jesus did. और मैं सोचता हूँ उस पहले चमत्कार के बारे में जो यीशु ने किया। Mary, let me paraphrase that whole section in John chapter 2, marriage of Cana. यूहन्ना 2 में वो जो घटना थी काना के विवाह में, उसको मैं उसका वर्णन करना चाहूंगा। Mary comes to Jesus and says, मरियम यीशु मसीह के पास आकर कहती है, they have no wine. उनके पास दाखरस नहीं है, नहीं रहा। And Jesus says, my time has not yet come. और यीशु कहता है कि मेरा समय, अभी मेरा समय नहीं आया। That's his answer. वही उसका उत्तर है। And I thought about that. I never understood till recently. और मैं इस विषय में सोच रहा था, और मैं हाल ही तक इस बात को समझ नहीं सका था। Why he said that? And here, कि यीशु मसीह ने क्यों ये कहा? My understanding. और अब ये मेरी समझ है। Of why he said it. कि यीशु मसीह ने ये क्यों कहा? Now that's this is not in scripture. You don't have to accept my interpretation. अब ये बाइबल में नहीं है, इसलिए मेरी जो समझ या मेरे जो विचार है उसको आपको स्वीकार करने की जरूरत नहीं। But it is. Well, Mary, I think there are 5 or 6 glasses of wine still left. पर यीशु ने ये इसलिए कहा क्योंकि शायद वो कह रहा था कि मरियम अभी भी 5 या 6 ग्लास दाखरस के अभी भी बच गए हैं। Doesn't come to zero. वो शून्य तक नहीं आया। I'll wait till it is zero. मैं इंतजार करूंगा उसके शून्य तक आने का। My time does not come. Until there's not a single drop of wine left. मेरा समय तब तक नहीं आता जब तक दाखरस की एक भी बूंद जब तक दाखरस खत्म होकर उसकी एक भी बूंद नहीं बचती। And when those last 5 or 6 glasses also run out, then I'll do something. और जब वो आखिरी 5 या 6 ग्लास खत्म हो जाते हैं तब मैं कुछ करूंगा। I think that's the meaning of my time has not yet come. It's certainly true in our life. मैं सोचता हूँ कि अभी मेरा समय नहीं आया इसका यही मतलब है। ये हमारे जीवन में निश्चित तौर पर सच है। The Lord begins to work in us. प्रभु हमारे अंदर काम करना शुरू करता है। We want him to work. We want him to do a miracle in us. We want him to multiply the wine and. हम चाहते हैं कि वो हमारे अंदर काम करे। हम चाहते हैं कि हमारे अंदर वो एक चमत्कार करे। हम चाहते हैं उस जो दाखरस को वो बहुगुणित करे। Picture of the Holy Spirit. और दाखरस जो है वो पवित्र आत्मा का चित्र है। In our life, and the Lord says, "No, my time has not yet come. Why hasn't it come, brother, in your life?" और प्रभु उसके बावजूद कहता है कि नहीं, अभी मेरा समय नहीं आया। फिर उसका समय आपके जीवन में अब तक क्यों नहीं आया है, मेरे भाई? Because there's still a little bit of that human strength and. क्योंकि अभी थोड़ी सी आपकी जो मानवीय सामर्थ है, वो अभी थोड़े शेष है, थोड़ा बचा हुआ है. Which is not being broken yet. जो अभी भी वो सामर्थ टूटी नहीं है. The Lord is waiting. और प्रभु इंतजार कर रहा है. I know certainly it was true in my life. मैं जानता हूँ निश्चित तौर पर ये मेरे जीवन में सच था। That's what the Lord was waiting for. प्रभु उसी बात का इंतजार कर रहा था। He wasn't waiting for me to pray more or fast more. He was waiting for me to come to the end of myself. वो इसलिए इंतजार नहीं कर रहा था कि मैं ज्यादा प्रार्थना करूँ, मैं ज्यादा उपवास करूँ, पर वो इसका इंतजार कर रहा था कि मैं अपने सामर्थ्य के बिल्कुल अंत तक, उस मेरी सामर्थ्य खत्म होने तक मैं आ जाऊँ। And when I did come to the end of myself. और जब मैं अपने सामर्थ्य के बिल्कुल अंत तक पहुंच चुका था, प्रभु मुझसे मिला। When the wine ran out, जब दाखरस खत्म हो गई, in Cana, finally, when the last drop, there was not even one glass or one drop left. काना में जब वो दाखरस खत्म हो गई, जब एक ग्लास में एक बूंद भी न बची थी दाखरस, then the Lord says, okay. फिर प्रभु ने कहा, ठीक है। And what an abundance he made each of 180 gallons. Can you imagine 180 gallons of wine? और देखिए कैसे बहुतायत से प्रभु ने वहां दाखरस बनाई, क्योंकि 180 गैलन दाखरस, क्या आप कल्पना कर सकते हो 180 गैलन दाखरस मतलब कितना होता है? Or how many people would have been in that wedding in that house? उस घर में, उस विवाह में लोग भी कितने रहे होंगे? When the Lord does something, it's always like rivers of living water. जब प्रभु कुछ करता है तो हमेशा जीवित पानी की नदियां होती हैं। He does it in abundance. वो हमेशा बहुतायत से चीजों को करता है। It's not 3-4 glasses that he does. ऐसा नहीं कि वो 3-4 ग्लास उसने केवल बनाए।
But that's the one thing I see in every miracle of Jesus. That's the first miracle. पर ये एक चीज है जो मैं यीशु मसीह के प्रत्येक चमत्कार में देखता हूँ. ये यीशु का पहला चमत्कार था. Wait till you come to an end of yourself. The last. अपने सामर्थ के अंत तक तुम पहुंच नहीं जाते, उस समय का इंतजार करो. Last miracle in John 21, same lesson. और यूहन्ना 21 में जो यीशु मसीह का आखिरी चमत्कार है, उसमें भी वही पाठ है. You know, Peter had failed as a fisherman. Failed as an apostle. पत्रस जो था वो एक प्रेरित होने में बिल्कुल असफल रहा था. And so he told the others, well, I'm useless as an apostle, but there's one thing I can do. और इसलिए उसने दूसरों को कहा कि एक प्रेरित होने में तो मैं बिल्कुल असफल रहा हूँ, पर एक चीज है जो मैं अभी कर सकता हूँ. I can fish. मैं मछली पकड़ सकता हूँ. And the Lord says, uh-huh, okay, go try. और प्रभु कहता है, अच्छा, ठीक है, जाके कोशिश तो करो. And that's one day. When this expert fisherman couldn't catch a single fish. और वो एक दिन था जहां ये बिल्कुल निपुण जो मछुआरा था वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाया. What was the Lord trying to teach Peter? प्रभु पत्रस को क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था? If you give up on my calling, I called you to be an apostle. अगर तुम मेरी बुलाहट से पीछे हट जाते हो तो मैंने तुम्हें बुलाया है मेरा प्रेरित होने के लिए. And you turn away from that, you'll be a failure everywhere. और तुम उससे पीछे मुड़ जाते हो तो तुम हर जगह में एक असफलता रहोगे. Even the areas where you think you're a great expert. उन क्षेत्रों में भी जहां तुम सोचते हो कि तुम एक बहुत कुशल व्यक्ति हो. Dear brothers and sisters, God's got a calling for your life. मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की आपके जीवन के लिए एक बुलाहट है. And that is to be a witness for Christ. और वो है कि आप मसीह के लिए गवाह बनो. A lot of Christians are not gripped by that. कई विश्वासी जो है, कई मसीह जो है, इस बात से जकड़े नहीं गए हैं. And if you don't make that primary in your life, और अगर उस चीज को आप आपके जीवन में बिल्कुल प्राथमिक नहीं बनाते दे तो, I tell you, as far as God is concerned, you'll be a failure everywhere. मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहां तक परमेश्वर की बात आती है, आप हर एक क्षेत्र में असफलता रहोगे. Fishing if you want. आप चाहो तो जाकर मछली पकड़ के देख सकते हो. Thinking you're an expert fisherman. ये सोच के कि आप बड़े एक्सपर्ट मछुआरे हो, आप बहुत कुशल मछुआरे हो. You will fail. I hope you fail. आप वहां भी असफल रहोगे. मैं आशा करता हूं कि आप वहां असफल रहोगे. If God allows you to succeed, it means he's given up on you. अगर परमेश्वर वहां भी आपको सफल होने देता है, इसका मतलब है कि फिर परमेश्वर ने आप पर हार मान ली है. If God allows you to succeed in some area where he does not want you to be, अगर परमेश्वर आपको किसी ऐसे क्षेत्र में सफल होने देता है जिस क्षेत्र में परमेश्वर चाहता ही नहीं कि आप हो, he's given up on you. उसने हार मान ली है आपसे, उसने आपको छोड़ दिया है मानो. Look at the multitude of worldly people who are succeeding wherein God's not with them at all. देखिए संसार में कितने लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में सफल होते हैं, परमेश्वर उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है. जब परमेश्वर का किसी मनुष्य के लिए कोई उद्देश्य होता है तो वो उसको हर दूसरे क्षेत्र में असफल होने देगा. Until he comes back, जब तक कि वापस वो लौट नहीं आता what God has called him to. उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में परमेश्वर ने उसे बुलाया है, he has to be broken, उसे टूटने की आवश्यकता है, up to zero. उसे एक शून्य तक आने की आवश्यकता है. That's what happened in the first miracle. That's what happened in the last miracle. यही पहले चमत्कार में हुआ, यही आखिरी चमत्कार में भी हुआ. That is to make that person like a little infant. ये इसलिए ताकि उस व्यक्ति को एक छोटे बालक के समान, एक छोटे बच्चे के समान बनाया जाए. What can an infant do in a cradle? Nothing. एक छोटा बच्चा जो अभी अभी जन्मा है, वो उस झूले में जब होता है तो वो क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं. It can't even hold a milk bottle. वो एक दूध की बोतल भी नहीं पकड़ सकता. Can't do anything. Can't lift itself up. Can't walk. वो कुछ नहीं कर सकता. वो अपने आप को उठा नहीं सकता. Itself can't clean itself. Can't. वो अपने को धो नहीं सकता. अपने आप को साफ नहीं कर सकता. A single thing. वो कुछ भी नहीं कर सकता. And that's the place the Lord seeks to bring us to. That's what it means to be a child. और ये स्थान है जहाँ प्रभु हमें लाना चाहता है. यही मतलब है एक छोटा बालक बनने से. That's what it means to be an infant. And that, एक नवजात, एक शिशु बनने का यही मतलब है. That's what it means to be really humble. और वास्तविकता में नम्र होने का भी यही मतलब है. So the delay is because of a lack of brokenness, and sometimes it can take a long time. और वो जो विलंब है, वो देरी है, वो इस वजह से है क्योंकि टूटेपन की कमी है, और कभी-कभी हमें काफी लंबा समय लग जाता है.
I'll just show you one more miracle. मैं आपको एक और चमत्कार दिखाऊंगा, that is John chapter 5. वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पांचवा अध्याय। The same message in every miracle. प्रत्येक चमत्कार में संदेश वही है that Jesus did. जो हर एक चमत्कार जो यीशु ने किया। Jesus went to the pool of Bethesda, we read in John 5. यीशु मसीह, हम यूहन्ना पांचवें अध्याय में पढ़ते हैं कि वो बेतेस्दा नामक जो एक पुल था वहां गया। And it says there in verse 3, a great multitude. Now, what is a multitude? It's not 10 people. 10 people is not a multitude. अब वहां लिखा है तीसरे वचन में कि इसमें एक बहुत बड़ी भीड़। अब ये बड़ी भीड़ मतलब क्या? बड़ी भीड़ 10 लोगों से भीड़ नहीं बनती। Multitude means I say maybe 200-300 people. और भीड़ है तो मैं कहूंगा शायद 200-300 लोग वहां होंगे। Lame, blind, withered. वहां लंगड़े थे, अंधे थे, सूखे अंग वाले थे। Waiting for the moving of the water because an angel of the Lord would come down at certain seasons. They didn't know which season. और वो पानी के हिलने के आशा में वहां बड़े रहते थे क्योंकि एक नियुक्त समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत उस कुंड में उतरकर पानी को हिलाता था। वो नहीं जानते थे कि कब स्वर्गदूत आएगा। And stirred the water, and whoever stepped into that water first would be healed, and it was one of the mercies of God towards the nation of Israel. और स्वर्गदूत आकर उन उस पानी को हिलाता था और जो कोई पहले पानी में उतरता था वो चंगा हो जाता था। और परमेश्वर ने इसराइल के देश पर, इसराइल के राष्ट्र पर ये एक अपनी दया की थी कि वो स्वर्गदूत को भेजता था कभी कभार उस पानी को हिलाने के लिए। And all these 300-400 people were waiting. और वहां ये जो 300-400 लोग थे ये सब इंतजार 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 किए हुए थे। And Jesus comes along there, and you know the story. और वहां यीशु मसीह आता है और आप कहानी को जानते हो। There was a man we read in verse 5 of John 5 who had been ill for 38 years. He was lame. हम यूहन्ना 5:5 में पढ़ते हैं कि वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था और वो लंगड़ा था। He couldn't get up. वो उठ नहीं सकता था। And Jesus says, "You want to get well?" और यीशु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? He says, "I've got nobody to help me." और उस बीमार ने उत्तर दिया कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जो मेरी सहायता करे। See, this is where he had come to. देखो, वो इस स्थान पर आप पहुंचा था। This is the place we need to come to. इसी स्थान पर हमें आने की आवश्यकता है। John 5:7. यूहन्ना 5:7 उसका सातवां वचन। I have no ability myself. मेरे अंदर अपने आप में कोई क्षमता नहीं है। And I have nobody to help me. और मेरे पास कोई है भी नहीं जो मेरी सहायता कर सके। I am at a zero point. मैं बिल्कुल शून्य के स्थान पर आ चुका हूँ। Oh, really? अच्छा, सचमुच? ठीक है। Get up. फिर उठो। Pick up your bed and walk. अपनी खाट उठाओ और चल फिरो। Have you come to a zero point? क्या आप बिल्कुल उस शून्य के स्थान पर आ चुके हो? The Lord says, okay, you can go. प्रभु कहते हैं, ठीक है, फिर तुम जा सकते हो। And he left all the others there. और बाकी सारे जो बीमार थे प्रभु ने उन्हें वहीं का वहीं छोड़ दिया। Who said that Jesus healed everybody who was sick? कौन कहता है कि यीशु मसीह ने प्रत्येक बीमार व्यक्ति को चंगा किया? There were 500-400 people and he healed only one. यहाँ 400-500 लोग थे, उनमें से केवल एक को ही उसने चंगा किया। And the lesson there is, और वहां पाठ ये है, this guy had tried for 38 years. इस व्यक्ति ने 38 वर्ष से कोशिश की थी, प्रयत्न किए थे to jump into the pool first. उस कुंड में कूदने की, सबसे पहले कूदने की उसने 38 वर्ष से कोशिश की थी। Every time somebody beat him to it. हमेशा उसके पहले कोई कूद जाता था। He always thought, I'll do it next year. वो हमेशा सोचता था कि अगले वर्ष मैं कर लूंगा। No. नहीं। After 38 years, he said, no, I give up. 38 वर्षों बाद उसने कहा कि नहीं, अब मैं बिल्कुल हार मान चुका हूँ। I just go to the corner and wait there. मैं केवल कोने में जाकर इंतजार करने वाला हूँ। I'm not even going to sit near the pool. अब मैं कुंड के पास भी नहीं बैठूंगा। Every effort of his had failed. उसकी प्रत्येक कोशिश जो थी वो असफल रही थी। He had come to zero. वो बिल्कुल शून्य के स्थान पर आ चुका था। That's the message. यही संदेश है। Jesus came then, even the raising of Lazarus in John chapter 12. और तब यीशु आया, और यूहन्ना 12 में भी जब लाजरस को जिलाने के, जब यीशु ने लाजर को जिलाया। Is Lazarus sick? Oh, I can't go yet. क्या लाजर बीमार है? अच्छा, मैं अब नहीं जा सकता। Wait till he can't even lift a little finger. मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक वो एक छोटी उंगली भी अपने आप से न उठा सके, जब तक वो मर न जाए। I'll go then. तब मैं जाऊंगा। The message in all these miracles is one thing. इन सारे चमत्कारों में संदेश एक ही है।
God wants to bring us to the point where we are zero. We are like a little infant. परमेश्वर चाहता है कि वो हमें उस स्थान पर ले आए जहां हम बिल्कुल शून्य स्थान पर आ जाए, ताकि जहां हम एक छोटे नवजात बालक के समान हो, Not like a two-year-old child, एक दो साल के बच्चे के समान नहीं, like an infant, बल्कि एक नवजात के समान, a cradle that can do nothing. एक नवजात जो झूले में है, जो कुछ नहीं कर सकता अपने आप के लिए, and then he comes and does a miracle to us. और तब वो आकर हमारे लिए एक चमत्कार करता है, and then he comes and fills us with the Holy Spirit. और तब वो आकर हमें पवित्र आत्मा से भरता है. If we remain like that, और अगर हम वैसे ही बने रहे तो, the trouble is I've seen this through the years. People who are filled with the Spirit have a genuine experience of being filled with the Spirit. और मैंने कई वर्षों में देखा है कि जो लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं, जो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, जिनका वास्तविकता में पवित्र आत्मा से वे भर जाते हैं, उन लोगों के साथ समस्या ये होती है. You see them a few years later. आप उनको कुछ वर्षों बाद देखो. And they become self-sufficient. और वो खुद में ही पर्याप्त हो जाते हैं. And proud. घमंडी हो जाते हैं. God uses them a little bit and परमेश्वर थोड़ा बहुत उनका इस्तेमाल करता है, and they think no end of themselves. और फिर वो अपने आप के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं. And you know how so many great preachers have fallen away. और आप जानते हो कैसे कई महान जो प्रचारक है वो ऐसे ही गिर गए, भटक गए, just because of that. सिर्फ इसी वजह से. They started out as nobodies. उन्होंने शुरुआत की तब वो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं थे. But in a few years they became somebody. पर कुछ वर्षों बाद वे कोई विशेष व्यक्ति बन गए. They were no longer nobodies. तब वो कुछ भी नहीं रहे थे. Dear brothers and sisters, please take a warning. मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बात से एक चेतावनी लीजिए. From all that happens around us and the stories you hear, जो कुछ हमारे आसपास होता है, जिन कहानियों को हम सुनते हैं, be a nobody. आप बिल्कुल एक नाचीज या कोई नहीं व्यक्ति रहे All your life. अपने जीवन भर. Never seek to be a somebody in Christendom. कभी भी मसीही जगत में आप कोई व्यक्ति बन गए हो ऐसे होने की कोशिश ना करें. That's what ruins people. इसी से लोगों का नाश होता है. And don't try to be a somebody in NCCF. और NCCF कलीसिया में भी आप कोई विशेष व्यक्ति बनने की कोशिश ना करें. Be a nobody. एक कोई नहीं ऐसा व्यक्ति रहे And you'll be safe. और आप सुरक्षित रहोगे.